गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज मैं क्लास फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स को ईवीएस में चैप्टर 2 माय होम मेरा घर के बारे में पढ़ाऊंगी। ओके, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड द हाउस। हम सबको एक घर चाहिए, मतलब घर की आवश्यकता होती है हम सभी को। ए हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम चेंजिंग वेदर। और घर हमें बदलते मौसम से सुरक्षित रखता है। When a family lives in a house, it is called a home. जब एक परिवार एक घर में रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एक घर कहा जाता है। I love my home. मैं अपने घर से बहुत प्यार करता हूँ। My home has a drawing room, a dining hall, एक किचन, two bathroom, two bedrooms and two bathrooms. मेरे घर में एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग हॉल, एक किचन, दो बेडरूम और दो बाथरूम हैं। आवर गेस्ट सिट इन द ड्राइंग रूम। और जब हमारे मेहमान आते हैं वो ड्राइंग रूम में बैठते हैं। द डाइनिंग हॉल इज फॉर हैविंग फूड। और हम डाइनिंग हॉल में खाना खाते हैं सभी एक साथ बैठकर। ये इनका डाइनिंग हॉल है जिसमें खाना खाते हैं बैठकर, और ये इनका ड्राइंग रूम है जिसमें गेस्ट बैठते हैं। नेक्स्ट, द बेडरूम आर फॉर स्लीपिंग। और बेडरूम किस लिए है? सोने के लिए है। माई मदर कुक डिलीशियस फूड इन द किचन। और मेरी माता जी रसोई घर में स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। वी बाथ इन द बाथरूम। हम बाथरूम में स्नान करते हैं। माई हाउस हैज़ डोर्स एंड विंडोज। मेरे घर में दरवाजे और खिड़कियाँ भी हैं। दे आर कैप्ट ओपन फॉर लाइट एंड फ्रेश एयर एंटर इन। उन्हें प्रकाश और ताजी हवा में प्रवेश के लिए खुला रखा जाता है। देयर इज अ लॉन इन फ्रंट ऑफ माई होम। और मेरे घर के सामने एक लॉन है। आई लव टू प्ले विद माई सिस्टर इन द लॉन। अपनी बहन के साथ में लॉन में खेलना बहुत पसंद करता हूँ। माई होम इज़ क्लीन एंड ब्यूटिफुल। मेरा घर साफ और सुंदर है। आई ऑलवेज हेल्प माई पेरेंट्स टू कीप इट क्लीन। मैं अपने माता पिता को हमेशा साफ रखने में मदद करता हूँ। अपने घर को सफाई करने में अपने पेरेंट्स की वो मदद करता है। यू शुड ऑल्सो कीप योर होम क्लीन। आपको अपने घर को भी साफ रखना चाहिए। तो सेकेंड फर्स्ट क्लास इसमें क्या बताया गया है कि अपने घर को हमें साफ रखना चाहिए और पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए हमें अपने घर के चारों तरफ। ओके, तो आपको अब ये सेकेंड चैप्टर की अपनी नोटबुक में इसकी एक्सरसाइज करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है आवर गेस्ट सिट इन द ड्राइंग रूम। जो हमारे मेहमान आते हैं वो किस में बैठते हैं? ड्राइंग रूम में। आई लव माई होम। मैं अपने घर से बहुत प्यार करता हूँ। वी ऑल नीड अ हाउस। और हम सबको किसकी आवश्यकता है? घर की आवश्यकता है। माई हाउस हैज़ डोर्स एंड विंडोज। आई लव टू प्ले विद माई सिस्टर इन द लॉन। मैं अपनी बहन के साथ लॉन में खेलना बहुत पसंद करता हूँ। फिर उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। वी स्टडी इन द स्टडी रूम। पढ़ाई किस में करते हैं? कौन से रूम में करते हैं? स्टडी रूम में। तो क्या आएगा यहाँ पर? ट्रू। वी बाथ इन द ड्राइंग रूम। हम नहाते किस में है? बाथरूम में। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ड्राइंग रूम। तो क्या आएगा? फॉल्स। आवर गेस्ट सिट इन द किचन। जब हमारे मेहमान आते हैं वो किचन में बैठते हैं? नहीं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। माई मदर कुक फूड इन द बेडरूम। माता जी खाना किस में बनाती हैं? किचन में। और यहाँ क्या लिखा है? बेडरूम। तो क्या आएगा? फॉल्स। तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है, नीट एंड क्लीन, और वो भी प्रॉपर लाइन में। ओके।